मुख्यमंत्री कौशल विकास मिशन के छात्रों ने राजकीय आईटीआई आलापुर के नोडल अधिकारियों को बनाया घंटों तक बंधक। मुख्यमंत्री कौशल विकास मिशन के तहत अंबेडकर नगर में सत्र 2017-18 में राजकीय आईटीआई आलापुर अकबरपुर टांडा जहांगीरगंज में 1080 युवाओं ने विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण लेने के लिए अपना नामांकन करवाया था और 1080 युवक और युवतियों ने प्रशिक्षण के लिए नामांकन करवाया था और प्रशिक्षण भी लिया था, परंतु इन प्रशिक्षणार्थियों का परीक्षा नहीं हो सका, जिससे युवा एवं युवतियों के सपनों को पंख नहीं लग सके, जिसका मुख्य कारण था कि यहां के नोडल अधिकारियों का ट्रांसफर अन्य जिले में हो जाने के चलते अंबेडकर नगर में बने 40 बैच के लगभग 1080 बच्चे 350 से 400 घंटे का प्रशिक्षण लेने के बाद भी हुनरमंद नहीं बन सके और न ही इन बच्चों को नए नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षा कराया गया और न ही इन बच्चों को मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सका। और फीचर था तो फीचर में गाजीपुर वाले एक टीचर उनको रखा गया था, कौशल विकास के तरफ से वो पढ़ाते थे। टीचर में प्रियंका गुप्ता को रखा गया, वो पढ़ाते थे। उसके बाद जब सागरवाल साहब आए तो हमारा ये बैच रोक करके उन्होंने सारा चार्ज तत्काल प्रभाव से लागू करके अभियोग दिलवा दिया, अभियोग पास गया। अब अभियोग जब उनके पास चार्ज गया तो सागरवाल राज शर्मा को कैसे बुलाए, कैसे इनका संपर्क बना, कहाँ कहाँ बैच चला, कितने बैच चले, अभिनव को फिर निकाल दिया गया। वो आपको सिंगल चाहिए था, हमसे जब उन्होंने चार्ज ले लिया तो अब उनसे चार्ज वो किसको दिए, ये हमको नहीं मालूम। हम लोग आपकी तो रही नहीं भाई, आपने की जो प्राइवेट हम पुलिस में है, हम अपनी जो है कोई आपने चेक कर ली और साहिल को 5 स्टार दिए। जितनी भी चीजें थी सर, मेरे को गलत चीजों पे मेरे को नहीं पढ़ना, मगर मेरे बच्चों का तो कुछ करवा दीजिए। बाबू को शाही जमीन है, बनी था काफी समय से ए बी सी में और नया आप लोगों ने जो यहाँ पर आक्रोश दिखाया किस लिए था? कैसी मार्कशीट थी? कौशल विकास के एग्जाम में फॉर्म भरे थे। कब भरे थे आप लोगों ने फॉर्म? 2017। अभी तक उसका कोई पेपर नहीं हुआ? तो आज जो आप लोगों ने ये आक्रोश यहाँ पे दिखाया प्रिंसिपल ऑफिस में, तो इसका कोई नतीजा निकला? इसका कोई नतीजा निकला यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस से? अगर अगले बुध तक कोई हल नहीं निकला तो क्या करेंगे आप लोग? कौशल विकास से संबंधित बच्चों की मांग है और इनको बच्चों का जो भी कौशल विकास से संबंधित मामले हैं उसको कार्यालय के पटल प्रभारी श्री दयाराम जी देख रहे हैं। अगर बच्चे संतुष्ट ना हो तो किसी भी स्तर से कार्यालय की जांच कराई जा सकती है, कार्यालय पूरा सहयोग। इनके साथ हुआ क्या है जो इतना आक्रोशित है, इतना आक्रोश दिखाई दे रहा है? बच्चों ने अवगत कराया है कि इनके बैचों की परीक्षाएं नहीं हुई हैं पूर्व में बैचों में, इसको दयाराम प्रशिक्षण के रिकॉर्ड से चेक कर लेंगे, चेक करके डिटेल से अवगत कर। अगर चेक करने के बाद भी कोई लापरवाही नजर आई तब क्या होगा? किसी का भविष्य तो खराब होगा, इनके जो पिछले साल है वो वापस तो आ नहीं सकते। किसी भी स्तर से जाँच करा ली जाए, जाँच अधिकारी जो भी आदेश देंगे उसका अनुपालन किया जाए।